हेलो, मेरी आवाज जा रही है आप सब तक? जा ही रही होगी। चलिए, लेट्स कम टू द टॉपिक। स्वागत है आप सबका आज ब्यूटीफुल से चैनल पे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ने वाले हैं हम जो आज का हमारा टॉपिक है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम क्लास 12th का अपना पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया था। अभी हम पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि अभी जो हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वो होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसा कि पता ही है कि लाइन ना हो तो मजा नहीं आता, ठीक है? हर सपने को अपनी बाहों में रखो, हर सपने को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर सपने को अपनी बाहों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत आपकी है दोस्त, हर जीत आपकी है दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। चलिए, बिना देरी के हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? चलिए, कम टू द टॉपिक। हाँ जी गैस, आ जाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? चलिए, देखिए, याद कीजिए कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ होगा, और कल या परसों के लेक्चर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ था रिप्रोडक्शन, जिसमें मैंने बतलाया हुआ था कि रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसको बोलते हैं जिसमें कोई जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, लेकिन इसमें किसी भी गैमिट का फ्यूजन नहीं होता है और ना ही इसमें किसी गैमिट का फॉर्मेशन होता है। तो यह हमने पढ़ लिया हुआ था। साथ ही साथ मैंने वहां पे बतलाया हुआ था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली यानी कि देखने में, और जेनेटिकली यानी कि जेनेटिक के अकॉर्डिंग, जीन के अकॉर्डिंग, दोनों ही बिल्कुल सेम दिखते हैं, यानी कि हम अंतर स्पष्ट नहीं कर सकते कि कौन सा पेरेंटल वाला है कौन सा बेबी है, यानी कि हम उनमें ये नहीं देख सकते कौन से, जैसे हम लोग हैं ना यहाँ पे राम रहीम मोहन पहचान लेते हैं, बट वहां पे हम वो नहीं पहचान सकते। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, आइए आज इसको देखते हैं बड़े गौर से, बड़े प्यार से। आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज द रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द ऑपोजिट सेक्स। यानी कि यहां पे क्या बोल रहा है कि रिप्रोडक्शन का वो प्रोसेस जिसमें मेल और फीमेल गैमीट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और साथ ही साथ मेल और फीमेल गैमेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, फॉर्मेशन होता है, और उसमें यानी कि एक मेल और एक फीमेल, यानी कि अलग अलग सेक्स चाहिए, यानी कि एक मेल और एक फीमेल का होना कंपलसरी है, तो इस रिप्रोडक्शन को बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अगला पॉइंट, इट रिजल्ट्स इन ऑफस्प्रिंग दैट आर नॉट आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स और अमंग्स देमसेल्व्स।
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है, जो रिजल्ट में ऑफ स्प्रिंग मिलता है, वो अपने पेरेंट के जैसा नहीं दिखाई देता है, वो अपने पेरेंट के जैसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशंस आती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने पढ़ाया हुआ था, मैंने बतलाया हुआ था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वो देखने में और जेनेटिक मेकअप के अकॉर्डिंग दोनों ही सेम होते हैं, यानी कि हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अलग अलग को। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो बच्चे पैदा होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? उसके बाद देखिए जो ये लाइन है, यहां पे लाइन कह रहा है कि इट इज एन इलेबोरेट, यानी कि लॉन्ग टर्म चलने वाला प्रोसेस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस और साथ ही साथ स्लो प्रोसेस है एज कंपेयर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत लोअर ऑर्गेनिज्म आते हैं और लोअर ऑर्गेनिज्म में क्या, लोअर ऑर्गेनिज्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत ही एकदम फास्ट होता है, साथ ही साथ बहुत ही सिंपल होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, वो इलेबोरेट यानी कि लंबा चलता है, कॉम्प्लेक्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स है और स्लो प्रोसेस। जैसे कि जितने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को देखोगे, वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बहुत जल्दी बेबी पैदा कर देते हैं। मच्छर को देखो, चींटी को देखो, जितने लोअर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म देखोगे वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी यानी कि एक समय में बहुत सारे बच्चे को भी पैदा करते हैं। लेकिन वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जाम्पल मान लो कि हम ह्यूमन में लेते हैं, तो वही ह्यूमन का यदि एग्जाम्पल लेते हैं तो ह्यूमन में क्या होता है, एक बच्चे को पैदा होने में 9 महीना लगता है, लेकिन वही अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, इनमें कुछ खास वक्त नहीं लगता है। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपेयर में जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये बड़ा ही इलेबोरेट प्रोसेस है, कॉम्प्लेक्स है और बहुत ही स्लोली स्लोली होने वाला प्रोसेस है। क्लियर? अब देखिए, याद कीजिए जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूंगा कि फेजेस ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, फेजेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, फेजेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सबसे जो पहला फेज है वो पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, राइट? कौन सा फेज? पहला फेज होता है जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज होता है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा फेज होता है सेनेसेंस फेज। ओके, जो पहला फेज है जुवेनाइल फेज, दूसरा फेज है रिप्रोडक्टिव फेज और जो तीसरा फेज है इसको बोलते हैं सेनेसेंस फेज। देखिए, जो ग्रोथ एंड मैच्योरिटी वाला जो फेज होता है उसको कहते हैं जुवेनाइल फेज। क्लियर? जिस फेज में ग्रोथ एंड मैच्योरिटी आती है उस फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। लिखा हुआ यहां पे द पीरियड ऑफ ग्रोथ टू रीच इन मैच्योरिटी फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। यानी कि ये जो तीन फेजेस हैं, यानी कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके अंदर तीन फेज होते हैं, यानी कि उन ऑर्गेनिज्म में तीन फेज होते हैं। जैसे यदि हम सिर्फ एग्जाम्पल ले, ह्यूमन की यदि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ह्यूमन में जब तक बच्चा, जैसे मान लो मैं ह्यूमन की प्रॉपर यदि ह्यूमन की एग्जाम्पल लेता हूँ, तो ग्रोथ एंड मैच्योरिटी कब तक आती है, 14, 15 साल, 16 साल, 17 साल, 18 साल तक। इस तो स्टार्टिंग से लेकर के 15, 16, 17, 18 साल तक के एज को बोलेंगे जुवेनाइल फेज, ठीक है? और इसी जुवेनाइल फेज को प्लांट में बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। याद रखिएगा कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें तीन फेजेस होता है, एक जुवेनाइल फेज,
दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा होता है सेनेसेंस फेज। जो जुवेनाइल फेज होता है, ग्रोथ एंड मैच्योरिटी वाला फेज, जिस फेज में बच्चों में ग्रोथ आता है, मैच्योरिटी आती है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और जुवेनाइल फेज के बाद, जैसे मैं अभी ह्यूमन का एग्जांपल लिया था कि 14, 15, 16, 17, 18 साल तक में उसमें क्या होता है, ग्रोथ होता है, मैच्योरिटी आती है, तो उसको बोलेंगे जुवेनाइल फेज। अब उसके बाद जो चाहे लड़का हो या फिर लड़की हो, वो एबल हो जाता है बच्चे पैदा करने में, यानी कि वो माँ बाप बन सकता है। तो उस वो फेज जिस फेज के दौरान कोई जीव बच्चे पैदा कर सकता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेज। और सेनेसेंस फेज बोलते हैं ओल्ड एज वाले फेज को, जिसके बाद सेनेसेंस फेज के खत्म होते ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्लियर? तो यहाँ पे बोल रहा है कि ग्रोथ वाला फेज, वैसा फेज जिस फेज में ग्रोथ होती है, मैच्योरिटी आती है, उस फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज। और प्लांट में इसी जुवेनाइल फेज का नाम है वेजिटेटिव फेज, ये बात याद रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पे ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, जरा इनको भी देख लेते हैं, नहीं तो बुरा मान जाएंगे ना। क्लियर? चलिए, हाँ भाई साहब क्या बोल रहे हैं आपका भी सुन लेते हैं। इन हायर प्लांट्स द फ्लावरिंग इंडिकेट्स द एंड ऑफ वेजिटेटिव फेज। देखो अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे बतलाऊंगा, या फिर इलेवेंथ में जब आप पढ़े हुए होंगे या फिर मैंने पढ़ाया हुआ होगा, तो उस टाइम मैंने पढ़ाया हुआ होगा कि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, कि जो फ्लावर होते हैं ये फ्लावर है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि जब हायर प्लांट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बन गया, मतलब कि अब वो रिप्रोडक्शन का काम शुरू करेगा। तो जैसे ही फ्लावरिंग प्लांट, जैसे ही हायर प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है, तो इसका मतलब अब वो उसमें वेजिटेटिव फेज खत्म होने वाला है, यानी कि ग्रोथ एंड मैच्योरिटी वाला फेज खत्म होने वाला है और उसमें रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होने वाला है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे एनुअल कॉमा बायनियल प्लांट्स शोज क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेज। जो एनुअल और बायनियल प्लांट्स होते हैं ना, ये एनुअल और बायनियल प्लांट्स, इनमें क्लियरली हमें वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनेसेंट फेज देखने को मिलता है। अब आपका डाउट होगा, सर आपने ये लिख दिया एनुअल, लेकिन एनुअल प्लांट क्या होता है आपने तो बताया ही नहीं है। अभी आप लोग बोल सकते हो ना, भाई उसका भी मतलब बता देते हैं। एनुअल जो कि साल में सिर्फ एक बार, सॉरी जो कि अपने लाइफ में सिर्फ एक ही बार फलता है उसको बोलते हैं, सॉरी जो एक साल में एक ही बार फलता है उसको बोलते हैं एनुअल प्लांट। बायनियल जो एक साल में दो बार फ्लावरिंग करता है, दो बार फ्रूटिंग करता है, उसको बोलते हैं बायनियल प्लांट। और जो बार बार, यानी कि उसका कोई लिमिटेशन नहीं है, जब वो फलता है तब उसको बोलते हैं पेरेनियल प्लांट। ठीक है? तो जो एनुअल और बायनियल प्लांट्स हैं उनमें हमें क्लियर कट वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेज देखने को मिलता है। बट वहीं यदि हम बात करें पेरेनियल प्लांट्स की, तो उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है हम फेजेस को पहचानने में, हम फेजेस को नहीं पहचान सकते कि कौन सा उसका क्या कहते हैं वेजिटेटिव फेज है, कब उसका रिप्रोडक्टिव फेज है और कब उसका सेनेसेंट फेज है। क्लियर? नेक्स्ट। अब आइए यहां पे देखिए, यहां पे लिख क्या रहा है, ये भाई साहब लिख रहे हैं कि सम प्लांट्स एग्जिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग, यानी कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें कि यूजुअल यानी कि एबनॉर्मल, नॉर्मल फ्लावरिंग नहीं होता है, एबनॉर्मल फ्लावरिंग होता है। अब डाउट आएगा कि सर आप बोल दिए कि एबनॉर्मल फ्लावरिंग होता है, तो जल्दी से एक्सप्लेन कीजिए, जल्दी से बताइए कि एबनॉर्मल फ्लावरिंग कैसे होता है। तो जैसे यदि हम बात करें बैम्बू स्पेसीज की, बांस के पौधे की यदि बात करें, तो
वो अपने वो उनमें 50 से 100 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। वो देखो बैम्बू स्पेसीज फ्लावर्स ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम आफ्टर 5200 ईयर्स, यानी कि बांस के जो पेड़ पौधे होते हैं, बांस के स्पेसीज के, बैम्बू स्पेसीज के, वो 50 से 100 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं, सिर्फ एक ही बार फ्रूट देते हैं और उसके बाद मर जाते हैं। देख लो ये रहा बैम्बू स्पेसीज का फ्लावर, इस तरह का होता है। क्लियर। दूसरा है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना। ठीक, एक था बैम्बू स्पेसीज का और दूसरा है स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना, जो कि 12 साल में सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करता है। और स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना आपको सामने में दिख रहा होगा, उसका जो फ्लावर है वो कुछ इस टाइप का होता है। सो दिस इज बैम्बू फ्लावर एंड दिस इज स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना फ्लावर। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए ये भाई साहब क्या कहते हैं, जल्दी से देख लेते हैं नहीं तो बुरा ना मान जाएं ये। इन एनिमल्स में जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रायर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। यानी कि एनिमल्स में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव फेज आने से पहले, यानी कि उनका जब जुवेनाइल फेज खत्म होने वाला होता है उससे पहले ही उनमें मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आता है, यानी कि देखने में फिजियोलॉजिकल यानी कि क्रिया के अनुसार कुछ चेंजेस आता है जो कि उनके रिप्रोडक्टिव बिहेवियर को ताजा करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, देखे होगे आप यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जुवेनाइल फेज मैंने क्या बोला कि 12-13 साल के बाद 15-16 साल 18 साल तक का वाले फेज को बोलते हैं जुवेनाइल फेज, जिस फेज में ग्रोथ एंड मैच्योरिटी होती है ह्यूमंस में। तो जो आप देखे होंगे न्यू कमर्स जो होते हैं, जैसे कि 16-17 साल 18 साल बाद यंगेस्ट जो होते हैं उनमें ज़्यादा ललक होती है, उनमें कुछ मॉर्फोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल चेंजेस भी होते हैं, जैसे दाढ़ी मूछ आया हुआ रहता है उनका, आवाज़ भारी होता है, या फिर कंधे के नीचे बालों का आना, या फिर कह सकते हैं कि जेनाइटल ऑर्गन्स के नीचे बालों का आना, ये सारी चेंजेस आती है जो कि ये इंडिकेट करता है कि बच्चा बड़ा हो गया, लड़का बड़ा हो गया, अब इसकी शादी कर दो। ठीक है, क्लियर। चलो, बर्ड्स लिविंग इन नेचर ले एग ओनली सीजनली, हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एग्जाम्पल पाउल्ट्री कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो बर्ड्स होते हैं ना, बर्ड्स लिविंग इन नेचर, नेचर में रहते हैं और ये एग जो है सीजनल देते हैं। सीजनल का मतलब इनका एक फिक्स सीजन होता है, उसी सीजन में ये अंडे देती है ये बर्ड्स। जैसे कि पाउल्ट्री का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, तो ये थ्रू आउट अपने जीवन में ये देती है अंडे, बहुत सारे अंडे देती है, लेकिन ये सीजनली देती है, यानी कि जब इनका सीजन आता है तभी ये अंडे देती है, अदरवाइज वैसे अंडे नहीं देती। क्लियर। अगला देखिए, बाप ले बा, ये देखो वो क्या है, देख लो कौन है, ऐसा नहीं पढ़ोगे तो यही सब लगे, समझ रहे हो ना, छोड़ो समझ गए होगे, बच्चा लड़का क्या, लड़की भी अब बड़ी हो गई, सब बड़े हो गए अब, है ना। देखो, द फीमेल्स ऑफ प्लासेंटल मैमल एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द ओवरीज एक्सेसरी ग्लैंड्स डक्ट्स एंड हॉर्मोन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्टिव पीरियड। देखिए जितने भी प्लासेंटल मैमल्स होते हैं ना, उनमें कुछ साइक्लिकल चेंजेस होता है, ठीक है, जो कि उनके ओवरी में भी होता है, एक्सेसरी ग्लैंड्स होता है उन सब में होता है, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आता है उनके रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान। तो ये जो साइक्लिकल चेंजेस है, ये दो टाइप का साइक्लिकल चेंजेस होता है, एक होता है ईस्ट्रस साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक होता है ईस्ट्रस साइकिल और दूसरा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल।
ईस्टर साइकिल जनरली नॉन प्राइमेट्स एनिमल में देखने को मिलते हैं, जैसे कि काऊ हो गया, शिप भेड़ हो गया, रैट चूहा, डियर हिरन, डॉग कुत्ता, टाइगर बाघ इटीसी, इन सब में क्या होता है, इन सब में होता है ईस्टर साइकिल। वहीं यदि हम बात करें मेंस्ट्रुअल साइकिल की, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है प्राइमेट्स में, जैसे कि मंकी हो गए, एप्स हो गए और ह्यूमंस हो गए, तो इन तीनों में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, बाकी सब में क्या होता है ईस्ट्रस साइकिल। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। चलो फटाफट नेक्स्ट देखिए। बेस्ड ऑन ब्रीडिंग सीजन के आधार पे जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स मतलब स्तनधारी जीव, ठीक है, मैमल्स मतलब स्तनधारी जीव जिनके पास मैमरी ग्लैंड होता है और साथ ही साथ मैमल्स के पास बैकबोन रीढ़ की हड्डी होती है, दैट इज मैमल्स। तो ब्रीडिंग सीजन के अकॉर्डिंग जो मैमल्स हैं दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सीजनल ब्रीडर और दूसरे होते हैं कॉन्टिन्यूस ब्रीडर। सीजनल ब्रीडर का मतलब क्या होता है कि वैसे एनिमल जो कि अपने लाइफ साइकिल में जब उनका सीजन आता है, जब उनका फेवरेबल सीजन आता है, तभी वो बच्चे पैदा करती है, दैट इज सीजनल ब्रीडर। और कॉन्टिन्यूस ब्रीडर यानी कि दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि कॉन्टिन्यूस ब्रीडर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने सीजन में ही बच्चे पैदा करेगी या फिर किसी स्पेसिफिक सीजन में ही बच्चे पैदा करेगी। इनके बॉडी में जब तक रिप्रोडक्टिव फेज रहता है तब तक ये बच्चे पैदा कर सकती है। क्लियर, चलिए उसके बाद आते हैं सेनेसेंस फेज पे। देखिए पहला हमने क्या देख लिया, जुवेनाइल फेज। क्लियर, पहला हमने देख लिया जुवेनाइल फेज, जिसे प्लांट के में बोला जाता है वेजिटेटिव फेज। दूसरा फेज हमने देख लिया रिप्रोडक्टिव फेज, और अभी हम तीसरे फेज को देखने जा रहे हैं जिसका नाम है सेनेसेंस फेज, यानी कि ओल्ड एज वाला फेज, बुढ़ापा वाला फेज, जिस फेज के खत्म होने ही इंसान स्वर्ग सिधार जाते हैं। क्लियर, क्लियर है यहां तक बात? कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, यहां पे भी पूछ सकते हैं, कहीं पे भी आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर, उसके बाद अलग से भी हम डाउट सेशन रखेंगे। अब सेनेसेंस फेज क्या है भैया, तो ये क्या है, लास्ट फेज ऑफ लाइफ स्पैन है, यानी कि जिंदगी की आखिरी चरण। वो सॉन्ग है ना, जिंदगी की ना टूटे लरी, प्यार कर ले घरियो घरी, सेम वैसे ही यही कहानी यहाँ पे आ गई। सेनेसेंस फेज यानी कि ओल्ड एज वाला फेज, तो ये क्या है, लाइफ स्पैन का लास्ट फेज है, जो कि ये बतलाता है कि रिप्रोडक्टिव फेज एंड हो गया। यानी कि देखिए सबसे पहला फेज क्या आता है उनमें, सबसे पहला फेज आएगा कि जुवेनाइल फेज, जिसको प्लांट में बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। जब वेजिटेटिव फेज खत्म हो जाएगा, मतलब कि वो क्या इंडिकेट करेगा, रिप्रोडक्टिव फेज के शुरुआत को। जब रिप्रोडक्टिव फेज खत्म होगा तो वो क्या इंडिकेट करेगा, सेनेसेंस फेज की शुरुआत को। तो यानी कि सेनेसेंस फेज का शुरुआत क्या इंडिकेट कर रहा है, रिप्रोडक्टिव फेज के एंड को। क्लियर, ड्यूरिंग दिस कॉन्कोमिटेंट चेंजेस अकर्स इन द बॉडी, यानी कि इनमें क्या होता है, इनके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस का मतलब कॉन्कोमिटेंट का मतलब कि उनके बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, उनके बॉडी का जो फंक्शन है, वो धीरे धीरे क्या होता है, स्लो होता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर में या फिर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में होने वाले फंक्शंस को बोलते हैं एक साथ मेटाबॉलिज्म, जिसमें आप क्लास 11th में पढ़े हुए होंगे कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा होता है एनाबॉलिज्म, जिसमें क्या होता है, टूटने और जुड़ने की प्रोसेस होती है। तो
जब ये सेनेसेंस फेज स्टार्ट होता है उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे इंसान का जो इंसान के बॉडी का जो काम है धीरे धीरे वो स्लो हो जाता है, यानी कि उसके बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो हो जाता है और अल्टीमेटली उस इंसान की डेथ हो जाती है, दैट इज सेनेसेंस फेज। देख रहे हैं यहाँ पे, ये रहा ग्रोथ फेज, उसके बाद इधर आ जाता है रिप्रोडक्टिव फेज, ये हुआ सेनेसेंस फेज और सबसे लास्ट में इनकी डेथ हो गई। क्लियर, चलिए अगला आइए, ये देखिए ये क्या कह रहे हैं भाई साहब, क्या कह रहे हैं आप, चलिए देख लेते हैं इनको भी क्या कह रहे हैं ये। सो इन प्लांट्स एंड एनिमल्स हॉर्मोन्स कॉजेस ट्रांजिशन बिटवीन जुवेनाइल रिप्रोडक्टिव एंड सेनेसेंस फेजेस, यानी कि चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो, उनमें जुवेनाइल फेज या फिर रिप्रोडक्टिव फेज या फिर सेनेसेंस फेज के दौरान क्या होता है, ट्रांजिशंस यानी कि कुछ बदलाव होते हैं। इंटरेक्शन बिटवीन हॉर्मोन्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड द एसोसिएटेड बिहेवियर एक्सप्रेस्ड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यही जो हॉर्मोन्स होते हैं और साथ ही साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं यही क्या करते हैं, रिप्रोडक्टिव प्रोसेस को रेगुलेट करते हैं। क्लियर, चलिए अगला। अब देखिए वहां पे हमने पढ़ लिया, अब यहां पे आते हैं इवेंट्स, ठीक है, वो क्या था, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होने वाले फेजेस को वहां पे हम पढ़े हैं। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इवेंट होता है तो इसमें तीन इवेंट होता है, प्री फर्टिलाइजेशन, देखिए प्री का मतलब होता है पहले, और फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो जो इवेंट फर्टिलाइजेशन से पहले होगा उसको क्या बोलेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जैसे कि गैमिटोजेनेसिस, गैमिटो मींस गैमीट, और गैमीट का मतलब क्या होता है, गैमीट, यदि ह्यूमन में बात करें तो मेल में शुक्राणु और फीमेल में अंडाणु, यानी कि स्पर्म एंड ओवम, और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस। इसको मैं कुछ इस तरीके से समझा देता हूं जिससे कि क्या होगा, एक आपको समझने में और ज्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए देखिए समझिए, वहां पे क्या बोला गया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले फेजेस, ऑल राइट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले फेजेस, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या होता है, मेल के अंदर बनेगा क्या, स्पर्म, मेल के अंदर क्या बनेगा, स्पर्म, और फीमेल के अंदर ओवम, ठीक, तो मेल के अंदर बना स्पर्म यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल के अंदर बना ओवम यानी कि ओजेनेसिस, और इसी को एक साथ में बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस, क्योंकि स्पर्म और ओवम क्या है, गैमीट है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, तो होगा गैमिटोजेनेसिस, ओके, सबसे पहले होगा गैमिटोजेनेसिस। अब जब मेल और फीमेल दोनों के बीच में गैमिटोजेनेसिस हो गया तो अब क्या होगा, अब होगा गैमीट का ट्रांसफर, यानी कि मेल का जो गैमीट है, मेल का जो स्पर्म है वो कहाँ जाएगा, फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। अब जैसे ही वो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में चला जाएगा, यानी कि स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे, और जैसे ही स्पर्म और ओवम आपस में मिलेंगे तो उसी मिलने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसी मिलने के प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। क्लियर, अब जब फर्टिलाइजेशन हो गया अब क्या होगा भैया, अब वो फीमेल होगी प्रेग्नेंट, ठीक है, प्रेग्नेंट यानी कि प्रेगनेंसी, और इसी प्रेगनेंसी को बोलते हैं गेस्टेशन या फिर गेस्टेशन
पीरियड, और इसी प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि फीटस का, बच्चे का, बच्चा जो पेट में पलता है, दैट इज एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो गया उसके बाद क्या होगा, पार्चुरिशन। पार्चुरिशन का मतलब क्या होता है, डिलीवरी। ऑलराइट, बच्चे की डिलीवरी। जब बच्चे की डिलीवरी हो जाएगी तब क्या होगा, मम्मी क्या करेगी, बच्चे को दूध पिलाएगी, दैट प्रोसेस इज लैक्टेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले इवेंट को तीन कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले। तो फर्टिलाइजेशन से पहले ये दोनों आया, तो इस दोनों को बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्लियर, ये दूसरा हो गया फर्टिलाइजेशन, और तीसरा पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद। तो फर्टिलाइजेशन के बाद ये वाला हुआ, तो ये क्या हुआ, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन इवेंट होते हैं, पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा इवेंट है फर्टिलाइजेशन, और तीसरा इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर, अब आइए अपने स्लाइड पे। जिंदगी की तलाश में हम, मौत के कितने पास आ गए, मौत के कितने पास आ गए। सो अब आइए इवेंट्स ऑफ, वही कहानी है सेम। इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, और तीसरा है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। क्लियर, चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। देखिए, द इवेंट प्रायर टू द फ्यूजन ऑफ गैमिट, यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले का जो इवेंट होता है, गैमिटोजेनेसिस और एक गैमिट ट्रांसफर। गैमिटोजेनेसिस के अंदर गैमिट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि मेल के अंदर स्पर्म बनेगा यदि ह्यूमन की बात करें तो, और फीमेल के अंदर बनेगा ओवम, और उसके बाद क्या होगा, गैमिट का ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि मेल गैमिट फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चला जाएगा। दिख रहा होगा आपको, ये मेल का गैमिट स्पर्म और फीमेल का गैमिट ओवम। आगे आइए, देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। गैमिटोजेनेसिस है क्या, गैमिटोजेनेसिस क्या है भाई, भैया क्या है, अभी ही बतलाए हैं जी, अभी ही बतलाए हैं। गैमिटो मतलब गैमिट, गैमिटो मीन्स गैमिट, एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। ठीक है, गैमिटो मीन्स गैमिट एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। तो ये क्या है, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट इज नोन एज गैमिटोजेनेसिस। अब देखिए, जो गैमिट होता है ना, एक तो ये हैप्लॉइड होता है, पहला बात ये याद रखिएगा। अब गैमिट जो होते हैं ना भैया, ये गैमिट दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोगैमिट, या फिर उसी का दूसरा नाम है आइसोगैमिट, और दूसरा होता है हेटेरोगैमिट। कैसा होता है, हेटेरोगैमिट। देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, जो आपको बिल्कुल सेम दिखेगा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा होमोगैमिट। जैसे कि देखिए यहाँ पे आइसोगैमिट या फिर होमोगैमिट ऑफ क्लैडोफोरा, एक एल्गा, ठीक है, इसमें कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है ये आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे। इस टाइप में कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे, तो ऐसे ही गैमिट को बोलते हैं, ऐसे ही गैमिट को बोलते हैं क्या,
आइसोगैमिट या फिर होमोगैमिट, दूसरा है हेटेरोगैमिट। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, मतलब अलग अलग। तो जब आपको दिखेगा मेल अलग फीमेल अलग, उस टाइप के गैमिट सिस्टम को क्या बोलेंगे, हेटेरोगैमिट। जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको हेटेरोगैमिट ऑफ फ्यूकस या फिर एल्गा, यह है फीमेल वाला, इधर है मेल वाला, यह है फीमेल, यह है मेल। हेटेरोगैमिट ऑफ होमोसेपियंस, होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है, आपके क्लास का भी नाम ही क्या है, सेपियंस, इसी चीज पे तो रखा गया था भैया, सेपियंस ह्यूमंस का क्लास है, सेपियंस। तो होमोसेपियंस मतलब ह्यूमन, ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम है होमोसेपियंस। तो ह्यूमन में देखिए ओवम, ये फीमेल वाला और ये है मेल वाला। तो हम हेटेरोगैमिट में आसानी से पता लगा सकते हैं कौन सा मेल वाला है कौन सा फीमेल वाला है, बट हम होमोगैमिट में पता नहीं लगा सकते कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। क्लियर। नेक्स्ट ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो, देखिए यहां पे होमोगैमिट उसी का डेफिनेशन है, या फिर आइसोगैमिट, सिमिलर गैमिट मतलब कि एक जैसे गैमिट, उनको क्या बोलेंगे, होमोगैमिट या फिर आइसोगैमिट। क्लियर। दे कैन नॉट कैटेगराइज इनटू मेल एंड फीमेल गैमिट्स, यानी कि इनमें क्या होता है, मेल और फीमेल वाला हम पता नहीं लगा सकते हैं, और इनमें मेल और फीमेल वाला इसीलिए होता भी नहीं है क्योंकि हम पता ही नहीं लगा सकते, तो होने और ना होने से फायदा ही क्या है। एग्जाम्पल है इसका सम एल्गी लाइक क्लेडोफोरा। क्लियर। ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, कम से कम एक एग्जाम्पल याद रखना चाहिए, क्लेडोफोरा। क्लेडोफोरा क्या है, एक एल्गी है। क्लियर। दूसरा है हेटेरोगैमिट, हेटेरोगैमिट द मेल एंड फीमेल गैमिट्स आर डिस्टिंक्ट टाइप्स, यानी कि इनमें मेल और फीमेल गैमिट जो होता है वो अलग अलग टाइप के होते हैं। मेल गैमिट को बोलते हैं एंथेरोजॉइड, और एंथेरोजॉइड बोला जाता है प्लांट में, और स्पर्म ह्यूमंस में, एनिमल्स में। एंड फीमेल गैमिट को बोला जाता है एग, या फिर उसको बोलते हैं ओवम। इसका एग्जाम्पल हो गया फ्यूकस हो गया, एल्गा हो गया, ह्यूमन बींग हो गया, इन सब में क्या होते हैं, हेटेरोगैमिट्स पाए जाते हैं। क्लियर। आगे आइए, अब देखिए सेक्सुअलिटी, ठीक है सेक्सुअलिटी। दो मिनट का गैप चाहिए क्या, दो मिनट का ब्रेक चाहिए, चलो दो मिनट का ब्रेक दिया आपको, ठीक है जी, दो मिनट का ब्रेक दिया आपको। सर पढ़ाई रहे हो, कम से कम दो मिनट का ब्रेक तो दे दो। लो भाई दो मिनट का ब्रेक दे दिए, ठीक है चलो। जैसे ही टिक टिक बंद होगा हम शुरू हो जाएंगे फिर से। चलिए डेढ़ मिनट बचे, एक मिनट, थर्टी सेकेंड्स, फिफ्टीन सेकेंड्स, टेन सेकेंड्स, नाइन एट सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन।
रेडी। चलिए बेल बज गया। हाँ भैया बस 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 बस। देखिए सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बहुत से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेक्स पाया जाता है, यानी कि या तो वो मेल होंगे या फिर वो फीमेल होंगे, और बहुत से ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही पाए जाते हैं, यानी कि ऑर्गेनिज्म एक ही है और उसी में मेल वाला रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी पाया जाएगा और फीमेल वाला पार्ट भी पाया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाई, बाई का मतलब होता है बाई बेबी, ये वाला बाई नहीं, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब सेक्स, यानी कि जब एक ही ऑर्गेनिज्म में दो, यानी कि एक मेल और एक फीमेल दोनों ही प्रेजेंट होंगे उनको बोलेंगे बाइसेक्सुअल। तो देखिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल, यानी कि मेल और फीमेल का रिप्रोडक्टिव जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है वो सेम इंडिविजुअल में प्रेजेंट, यानी कि एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल प्लांट का कुछ एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे कि हिबिस्कस हो गया, पाइसम हो गया, इनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों सेम प्लांट में ही प्रेजेंट होते हैं। इन फ्लावरिंग प्लांट मेल फ्लावर इज स्टेमिनेट यानी कि स्टेमेन, और फीमेल फ्लावर इज पिस्टिलेट यानी कि पिस्टिल। तो ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे ही, 11th में भी आपको पढ़ाया हुआ होगा मैंने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, और आगे भी अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। जो मेल फ्लावर होता है उसके पास होता है स्टेमेन, और जो फीमेल फ्लावर होता है उसके पास होता है पिस्टिल। तो ये नॉर्मल बात थी। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट इट इज कॉल्ड मोनोशियस, ठीक है। जब क्या होगा कि सेम प्लांट में, एक ही प्लांट में मेल और फीमेल फ्लावर दोनों प्रेजेंट होंगे तब उसको बोलेंगे मोनोशियस, जिसका एग्जाम्पल है कुकुरबिट, कोकोनट, ये दोनों क्या है मोनोशियस प्लांट के एग्जाम्पल, क्लियर। वहीं यदि बात करें बाइसेक्सुअल एनिमल्स की, एनिमल में वो था प्लांट में और ये है एनिमल में, तो वहीं यदि बात करें बाइसेक्सुअल एनिमल की तो बाइसेक्सुअल एनिमल को बोला जाता है हर्माफ्रोडाइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है नीट में और बोर्ड में दोनों ही में। खैर नीट ने तो इस चैप्टर को हटा दिया है तो नीट में तो यहाँ से प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है याद रखिएगा। अर्थवॉर्म, लीच, स्पॉन्ज, टेपवॉर्म, ये सारे के सारे क्या हैं बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म, बाइसेक्सुअल एनिमल यानी कि हर्माफ्रोडाइट्स, क्लियर। यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है कि बाइसेक्सुअल एनिमल अर्थवॉर्म, यूनिसेक्सुअल एनिमल कॉकरोच, मोनोशियस प्लांट कारा, डायोशियस प्लांट मार्किंशिया। देखिए मोनोशियस प्लांट जिसमें एक ही प्लांट में दोनों प्रेजेंट होंगे उसको मोनोशियस प्लांट, जिसका एग्जांपल है वहां पे लिखा हुआ है कारा, कारा भी उसका एक एग्जांपल है। डायोशियस प्लांट, डायोशियस प्लांट में क्या होता है कि जो मेल वाले हैं वो अलग होते हैं, फीमेल वाले फ्लावर अलग होते हैं, उनको बोलेंगे डायोशियस प्लांट। और बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है स्वीट पोटैटो, लेवा अलुआ, अलुआ लेवा अलुआ, वही वाला अलुआ, उसी को बोलते हैं स्वीट पोटैटो, क्लियर। चलिए नेक्स्ट यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल केमिस्ट्री में यदि आप पढ़े हुए होगे ऑर्गेनिक या फिर आगे पढ़ोगे तो वहां पे पढ़ोगे, वहां पे सर आपको पढ़ाएंगे यूनि का मतलब होता है वन, सेक्सुअल मतलब सेक्स, ठीक है। यानी कि जब एक ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होगा, यानी कि या तो वो मेल होगा या फिर वो फीमेल होगा, तब उसको क्या बोलेंगे यूनिसेक्सुअल। देखिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट इंडिविजुअल, यानी कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है दोनों अलग अलग इंडिविजुअल में प्रेजेंट होगा। इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट
इट इज कॉल्ड डायोसियस। तो वो तो पहले उस वाले स्लाइड में भी बतलाया हूँ। यूनिसेक्सुअल एनिमल, इनका एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे कॉकरोच हो गए और हायर एनिमल्स हो गए, हम लोग हो गए, हम सब क्या है, यूनिसेक्सुअल और एनिमल, यानी कि या तो सिर्फ मेल है या फिर सिर्फ फीमेल है। जो फंगी होते हैं वो होमोथैलिक भी होते हैं, यानी कि बाइसेक्सुअल भी होते हैं, और हेटेरोथैलिक भी होते हैं, यानी कि यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये चार्ट थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार इस चार्ट में से कुछ पूछ लिया गया है। सो मैनी मोनेरन्स फंगी एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स हैव हैप्लॉइड पेरेंटल बॉडी, यानी कि जो बहुत सारे मोनेरन्स यानी कि मोनेरा वाले ग्रुप के मेंबर, फंगी वाले ग्रुप के मेंबर, एल्गी ब्रायोफाइट इनके ग्रुप के जो मेंबर होते हैं, उनका जो उनके जो पेरेंट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और वो हैप्लॉइड वाले हैप्लॉइड गैमीट ही प्रोड्यूस करते हैं, किसके द्वारा, माइटोसिस के द्वारा। बट वहीं यदि बात करें टेरिडोफाइट्स की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की, और एनिमल्स जिनके पास जो पेरेंट बॉडी डिप्लॉयड होता है उनमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों ही प्रोसेस होता है जिसके द्वारा वो नए गैमीट बनाते हैं। ठीक है, वहां पे दिया हुआ है ऑर्गेनिज्म के नाम और उनके क्रोमोसोम नंबर, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तो सभी को पता होना चाहिए कि ह्यूमंस में टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं, यानी कि 23 पेयर होता है। हाउस फ्लाई में 12 होते हैं और 6 पेयर्स होते हैं। रैट में, चूहा में 42 और 21 पेयर। एक राइस और मेज का भी इम्पॉर्टेंट है और एक ओनियन का इम्पॉर्टेंट है, इन चार पांच का इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा, तो ये याद रखिएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। ये देखिए गैमीट ट्रांसफर, ठीक है जी, क्या है ये गैमीट ट्रांसफर। अब देखिए मेल गैमीट नीड अ मीडियम टू मूव टुवर्ड्स फीमेल गैमीट फॉर फर्टिलाइजेशन। जो मेल गैमीट है उसको एक मीडियम चाहिए फीमेल गैमीट तक पहुंचने के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। क्लियर, और वो मीडियम कौन सा होता है ह्यूमन में यदि बात करें तो वो होता है वेजाइना, जिसके अंदर स्पर्म जाता है और वहां से वो आगे तक पहुंचता है। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ज्यादातर जीवों में मेल गैमीट इज मोटाइल एंड द फीमेल गैमीट इज स्टेशनरी, यानी कि ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, मेल गैमीट जो है वो मोटाइल होता है, ठीक है, और फीमेल गैमीट जो है वो मोटाइल नहीं होता है। बट कुछ एल्गी की यदि बात करें और फंगी की बात करें तो उनमें दोनों ही क्या होते हैं, मोटाइल, यानी कि दोनों के पास गतिशीलता होती है, दोनों ही एक जगह से दूसरे जगह तक जा सकते हैं, दैट इज गैमीट ट्रांसफर। एक बात और बता दूं आप लोग, जो लोग ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो या फिर YouTube पे देखोगे, इसी तरह से हमारा पूरे क्लास 11th और 12th का लेक्चर होने वाला है, ठीक है, इसी तरीके से हमारा कंप्लीट 11th और 12th दोनों का लेक्चर होने वाला है। सो अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं किए हो, जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करा है, जिन लोगों ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, वो जल्द से जल्द ले ले, नहीं तो 2 से 4 दिन के बाद इसकी जो फीस है वो भी हाई हो जाएगी। तो फिर मत कहिएगा कि सर लेट हो गया वगैरह दिस दैट, ठीक है। इसीलिए जिन लोगों ने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जल्दी से जाइए प्ले स्टोर पर, वहाँ पर सर्च कीजिए सेपियंस क्लासेस, और उसमें क्लास 12th वाला प्रारंभ बैच होगा तो उसको ज्वाइन कीजिए। क्लियर, नेक्स्ट गैमीट ट्रांसफर में ही देख लीजिए और कुछ भी पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो यहां पे कह रहा है, इन सिंपल प्लांट्स एल्गी ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट, इनमें जो गैमीट ट्रांसफर है वो वाटर के द्वारा होता है, यानी कि उनका मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। टू कंपनसेट द लॉस ऑफ मेल गैमिट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमिट इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और वाटर में क्या होता है, वाटर में जो चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के
वो तो होते ही हैं, लेकिन थोड़े से कम, क्योंकि वहां पे जो मेल गैमिट है, मेल गैमिट के साथ मेल गैमिट पे कुछ खतरा भी होता है। तो अब यदि मान लीजिए कि एक ही मेल गैमिट होगा, तो हो सकता है कि वो वाटर में कहीं पे नष्ट हो जाए, या फिर कोई फिश उसको खा ले, या फिर कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस तरह के मीडियम में जो वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो एक साथ बहुत सारे गैमेट को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। इन सीड प्लांट, यानी कि वैसे प्लांट जिसमें सीड होते हैं, उनमें पॉलिन ग्रेन कैरी करता है मेल गैमेट को, ठीक है। जब आगे पढ़ाऊंगा क्लास ट्वेल्थ में ही अगला चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जब पढ़ाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो वहां पे बतलाऊंगा जो पॉलिन ग्रेन होता है, उसी पॉलिन ग्रेन के अंदर दो टाइप का सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल और एक रिप्रोडक्टिव सेल। वही रिप्रोडक्टिव सेल दो गैमिट में कन्वर्ट होता है, यानी कि अल्टीमेटली कह सकते हैं कि पॉलिन ग्रेन उस दोनों को अपने पास रखता है, मेल गैमिट को, ठीक है। तो उनका मीडियम क्या हुआ सीड प्लांट में, पॉलिन ग्रेन, ठीक है। और एग जो है वो ओव्यूल के अंदर होता है, ये आने वाले आपको अगले चैप्टर में पता चल जाएगा, क्लियर डिटेल में। अब देखिए यहां पे ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इधर भी देख लीजिए। इन बाइसेक्सुअल सेल्फ फर्टिलाइजिंग प्लांट, जैसे कि मटर बाइसेक्सुअल है और फर्टिलाइजेशन खुद से होता है, इनमें एंथर और स्टिग्मा जो है वो एकदम बिल्कुल पास पास होते हैं, जिससे कि इनमें पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर इजिली हो जाता है, ठीक है। वहीं यदि क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें, पॉलिनेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, यानी कि मेल वाले पार्ट से। दिख रहा होगा आपको, देखिए यहाँ पे एंथर से स्टिग्मा पे ट्रांसफर। एंथर पे था पॉलिन ग्रेन, अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से इस तितली के द्वारा ये चला गया कहाँ पे, स्टिग्मा पे। इसी को बोलते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन दो टाइप का होता है, एक सेल्फ पॉलिनेशन, एक क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जब सेम प्लांट हो और सेम फ्लावर हो, और क्रॉस पॉलिनेशन उसको बोलते हैं जिनमें क्या होता है, प्लांट और फ्लावर दोनों ही अलग अलग होते हैं, ठीक है। खैर ये आपको क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आप डीप नहीं भी जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मैं बतला देता हूँ। इन क्रॉस पॉलिनेशन प्लांट इंक्लूडिंग डायोसियस प्लांट, जो पॉलिनेशन है, पॉलिनेशन के प्रोसेस में पॉलिन ग्रेन का ट्रांसफर होता है, जो पॉलिन ग्रेन है ये जर्मिनेट होता है स्टिग्मा पे, और पॉलिन ट्यूब जो है वो उस पॉलिन ट्यूब के द्वारा मेल गैमिट ओव्यूल तक पहुंचता है, और वो फिर मेल गैमिट एग के पास पहुंचता है और उसको फर्टिलाइज करता है। और इसी डायोसियस एनिमल्स में जो फर्टिलाइजेशन है, ये जैसे ही गैमिट का ट्रांसफर होता है, जैसे आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, क्लियर। चलिए आइए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है, अब आते हैं फर्टिलाइजेशन। ये जो टॉपिक है फर्टिलाइजेशन, इट इज द फ्यूजन ऑफ गैमिट टू फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, यानी कि फर्टिलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमिट का फ्यूजन होता है, और मेल और फीमेल गैमिट आपस में फ्यूज करके क्या बनाते हैं, जाइगोट, ठीक है। रोटीफर्स की बात करें, हनी बी की बात करें, कुछ लिजार्ड की, छिपकली की बात करें, बर्ड्स पक्षियों की बात करें, जैसे कि टर्की इटीसी, इनमें फीमेल गैमिट्स डेवलप टू न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनमें क्या होता है, जो फीमेल गैमिट होता है वो बिना फर्टिलाइजेशन के नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करता है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं भैया, पार्थेनोजेनेसिस। रोटीफर हो गया, हनी बी हो गया, लिजार्ड हो गया, बर्ड हो गया, इनमें क्या होता है कि फीमेल गैमिट जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही क्या करते हैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ही नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस, क्लियर। आप देखिए
टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। जब हमने फर्टिलाइजेशन देख लिया कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो भैया फर्टिलाइजेशन होता है द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन दो टाइप का, एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन यानी कि सिंगेमी, यानी कि सिंगेमी या फिर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब ये एक्सटर्नल मीडियम में होता है यानी कि वाटर में, तब उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। यानी कि जब फर्टिलाइजेशन शरीर के बाहर हो तब उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जैसे देखिए ये मछली है, इस मछली ने क्या किया, अंडे दिए। अब ये वाले जो मेल 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 फिश स्प्रेड स्पर्म ओवर एग, ये वाला जो मेल फिश है, ये है मेल फिश, ये है फीमेल फिश। तो ये वाला जो मेल फिश है, ये वाला इस मेल फिश ने क्या किया, बहुत सारे स्पर्म को पानी में छोड़ दिया एग के आसपास। अब फीमेल फिश क्या करेगी, ये भी अंडे देगी। अब जब ये अंडे देगी तो फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है, शरीर के बाहर। ह्यूमन में क्या होता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर में फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के बाहर हो रहा है, इसीलिए इस टाइप को बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल, मोस्ट एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक में यानी कि मतलब पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जैसे कि एल्गी हो गया, बोनी फिश हो गया और एम्फीबियंस हो गया, ठीक है। सच ऑर्गेनिज्म शोज सिंक्रोनिक बिटवीन द सेक्सेस एंड रिलीज लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स इनटू द सराउंडिंग मीडियम टू एंश्योर सिंगेमी। यानी कि ये जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये जिस मीडियम में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए पानी में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो एक साथ बहुत सारा अंडे दे देती है जिससे कि फर्टिलाइजेशन हो जाए। क्योंकि एक अंडे देगी तो पानी तो बहुत बड़ा, हो सकता है नदी हो समंदर हो, तो पानी बहुत बड़ा है, हो सकता है फर्टिलाइजेशन ना भी हो, इसीलिए बहुत अंडे देती है। डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये जो अंडे देती है, क्योंकि वो एक्सटर्नल मीडियम में होता है, तो कोई भी इसका शिकार कर सकता है, कोई भी अदर फिश जो है, फिर कोई ये इसको अंडे को खा सकती है। क्लियर, तो यह है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, दूसरा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए इंटरनल मतलब शरीर के अंदर, और फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होगा तब उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्लियर, जब फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होगा तब उसको बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए हेयर सिंगेमी अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि यहाँ पे सिंगेमी यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट कहाँ हो रहा है, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर में। एग्जाम्पल, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यानी कि जमीन पे रहने वाले ऑर्गेनिज्म, बिलोंगिंग टू फंगी एनिमल्स जैसे कि रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, प्लांट जैसे कि ब्रायोफाइट्स हो गए, टेडोफाइट्स हो गए, जिम्नोस्पर्म हो गए, एंजियोस्पर्म हो गए, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इन सब में क्या होता है, इन सब ऑर्गेनिज्म में जो एग होता है नॉन मोटाइल होता है, जो कि फीमेल बॉडी में होता है, वहीं जो मेल गैमेट है वो मोटाइल होता है, जो कि फीमेल के बॉडी में जाता है और जाकर के ओवम को फर्टिलाइज करता है। इन सीड प्लांट यानी कि जिनमें सीड वगैरह बनता है, वैसे प्लांट की बात करें तो द नॉन मोटाइल मेन जो उसमें मेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है, लेकिन वहीं फीमेल गैमेट जो है वो मोटाइल होता है। देयर इज लार्ज नंबर ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस्ड बट द ओनली बट द प्रोडक्शन ऑफ एग इज वेरी लो। यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन में वो क्या होता है कि स्पर्म तो बहुत सारे निकलते हैं लेकिन ओवम जो है वो बहुत कम। जैसे हम यदि ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में क्या होता है, ह्यूमन में एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म निकलता है और फीमेल के बॉडी में जाता है। बट यदि वहीं यदि फीमेल की बात करें तो फीमेल ओवम हर महीने सिर्फ एक ही देती है। तो ये था एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब देखिए पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा, अब ये क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद, जैसे मान लीजिए कि यहाँ था स्पर्म और ओवम, तो स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज किया
और स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करके बना देता है जाइगोट। तो देखिए यहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड्स ऑन टाइप्स ऑफ द साइकिल ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड द नेचर ऑफ एनवायरनमेंट। यानी कि जो जाइगोट के डेवलपमेंट की यदि बात करेंगे तो वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल पे और साथ ही साथ वहाँ के एनवायरनमेंट पे। इन फंगी एंड एल्गी जाइगोट जो है वो डेवलप होता है एक थिक वॉल डेवलप करता है जो कि वॉल जो है वो उस बच्चे को बचाता है और बहुत से चीज़ों से वो उसको सेफ रखता है। देखिए यहाँ पे यह है जाइगोट में डिवीज़न होता है दो सेल, दो से चार सेल, चार से आठ सेल, आठ से 16 सेल, ऐसे ही जो अलग अलग सेल्स होते हैं, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग बॉडी के पार्ट का निर्माण करते हैं। क्लियर। जाइगोट इन ऑर्गेनिज्म विथ हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, मैंने पढ़ाया हुआ होगा प्लांट किंगडम में हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है उनमें जाइगोट जो है वो मियोसिस के द्वारा डिवाइड होता है हैप्लॉइड स्पोर में, ठीक है, जो कि नए हैप्लॉइड इंडिविजुअल में कन्वर्ट होता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म बिगिन लाइफ एज अ जाइगोट। ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड ने बार बार पूछा हुआ है भाई, याद रखिएगा ये, ठीक है। किसने पूछा है? बीएससीबी ने बार बार पूछा हुआ है और ये एक अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है, बार बार एमबीबीआई क्वेश्चन है ये भाई, ठीक है। ये वाला पॉइंट कि जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ है वो किससे बिगिन होता है, तो वो बिगिन होता है जाइगोट से, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है, याद रखिएगा। और जो जाइगोट होता है वही एक वाइटल लिंक होता है ऑर्गेनिज्म के नेक्स्ट जनरेशन से, यानी कि वही जो जाइगोट है वही फिर फर्दर उसी से क्या होगा, बेटा, पोता, परपोता, छरपोता, तरपोता, इस जाइगोट से ही होता है, इसीलिए इसको एक वाइटल लिंक माना जाता है। उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब देखिए क्या होता है। सो एम्ब्रियो, देखिए यहाँ पे एम्ब्रियो मतलब डेवलपिंग बेबी और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, ठीक है। तो जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कहलाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट के अंदर बहुत से सेल डिविजन्स होते हैं और साथ ही साथ बहुत से सेल डिफ्रेंशिएशन होते हैं और सेल डिवाइड होकर के क्या जो है वो सेल डिविजन से क्या होता है कि सेल्स का नंबर इंक्रीज होता है और सेल डिफ्रेंशिएशन के कारण क्या होता है, मॉडिफिकेशंस होता है और वह अलग अलग सेल जो है वो अलग अलग ऑर्गन्स का, अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स का निर्माण करते हैं, दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में ही देखिए आ गया प्लेस, जाइगोट के प्लेस की यदि बात करें तो एनिमल्स दो टाइप के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ दो टाइप बताया है बट मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि एनिमल्स तीन टाइप होते हैं, ठीक है। तीन टाइप कैसे भैया, तीन टाइप कैसे, अच्छा सी है तो सी दे दो, ओवो वीवी पेरस, ओवो वीवी पेरस, ओवी मतलब एग यानी कि अंडा और पेरस मतलब देना, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडा देती है उसको बोलेंगे ओवीपेरस ऑर्गेनिज्म। वीवी मतलब बेबी, बच्चा, ठीक है, और पेरस मतलब देना, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है उनको बोलेंगे वीवीपेरस ऑर्गेनिज्म। और ओवो वीवीपेरस मतलब कि देखिए अब ओवीपेरस में क्या होता है, जैसे मुर्गी ने अंडा दिया, अब अंडा इस दुनिया में आया, इस दुनिया में आने के बाद अंडे में डेवलपमेंट होता है, उसके बाद वो टूटता है। ओवो वीवीपेरस में क्या होगा, फीमेल के बॉडी में तो अंडा बनेगा लेकिन अंडे का डेवलपमेंट बॉडी के अंदर ही हो जाएगा और अंदर ही टूट जाएगा और उसके बाद बाहर आएगा बच्चा, यानी कि डायरेक्ट बच्चे को भी जन्म दे रही है तो वीवी, लेकिन उसके बॉडी में अंडा भी तो बना था तो उसको बोलेंगे ओवो। सो जो पहला है ओवीपेरस, तो देखिए यहाँ पे एनिमल्स ले फर्टिलाइज्ड और अनफर्टिलाइज्ड एग, ठीक है, यानी कि जो एनिमल है वो अंडे देती है, फर्टिलाइज या फिर अनफर्टिलाइज जैसा भी हो वो क्या करेगी, अंडे देगी।
इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय हार्ड कैल्केरियस शेल, यानी कि बहुत रेप्टाइल्स और बर्ड्स का एग्जांपल ले तो इनका जो एग होता है उसके ऊपर में एक बड़ा मोटा सा जो है वो सेल का शीत होता है जो उस अंडे को प्रोटेक्ट करता है और वो उसको सेफ प्लेस पे रखता है। आफ्टर इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट। इंक्यूबेशन का मतलब होता है कि जब उसका टाइम हो जाएगा उसके बाद जब वो अंडा जो है फुल्ली मैच्योर हो जाएगा तो वो टूटेगा और टूटने के बाद उसमें से जो बच्चा होगा वो बाहर आएगा। ठीक। दूसरा है विविपेरस ऑर्गेनिज्म, यानी कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देती है। देखिए यहाँ पे ये पक्षी है वो क्या की है, ये जो है मैया, ठीक है, सभी माँ होती है, माँ की रिस्पेक्ट करें, माँ बड़ी प्यारी होती है। तो वो हो चाहे ये हो, दे बोथ आर मदर्स। तो ये जो बर्ड है ये है ओविपेरस, ये अंडा दी हुई है, और जो ये है ये है विविपेरस, यानी कि इसने डायरेक्ट बच्चे को जन्म दिया है। द जाइगोट डेवलप इंटू अ यंग वन, जो जाइगोट है वो नए बच्चे के रूप में डेवलप होता है और फीमेल के बॉडी में, और उसके बाद बच्चे की डिलीवरी होती है और बच्चा बाहर आ जाता है। एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द मैमल्स, ठीक है, ह्यूमन फीमेल्स वगैरह सब इसी में आएगी। बिकॉज ऑफ प्रॉपर केयर एंड प्रोटेक्शन द चांस ऑफ सर्वाइवल यंग वंस आर ग्रेटर इन विविपेरस एनिमल्स, यानी कि चूंकि जो जैसे ओविपेरस है पक्षियां हैं तो वो अपने बच्चे की प्रॉपर केयर तो करती है क्योंकि माँ है, और माँ है तो अपने बच्चे की केयर तो करेगी, तो वो अपने बच्चे की केयर करती है, प्रोटेक्शन भी करती है। लेकिन यदि विविपेरस की ऑर्गेनिज्म की बात करें तो विविपेरस ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा वो इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि वो बेचारी करती तो है, लेकिन मान लीजिए अब कोई ऐसा है, मान लीजिए कोई पापी है उसको वो अंडा लेना चाहेगा तो वो क्या करेगा, अंडा वहाँ से छीन लेगा, यानी कि वो ओविपेरस ऑर्गेनिज्म की वो वाला जो एग है वो उतना सेफ नहीं है जितना विविपेरस वाले हैं। दैट इज ऑल अबाउट योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। यही था आपका चैप्टर जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर। अगेन मैं कुछ पॉइंट्स रिपीट कर देता हूं, ठीक है, आई एम रिपीटिंग सम पॉइंट्स। कहाँ गया भैया, कहाँ गया बैनर्स, जस्ट अ मिनट वेट। अगेन आई एम रिपीटिंग वंस लास्ट टाइम कि जिन स्टूडेंट्स ने अब तक एडमिशन नहीं लिया है, यानी कि जो स्टूडेंट अब तक कोर्स को ज्वाइन नहीं किए हैं, ये जो एक चैप्टर का वीडियो था, यानी कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का वीडियो था, एक डेमो के पर्पस के लिए मैं YouTube पे भी डाल दूंगा जिससे कि आपको पता चल जाए कि ऐप में किस तरह से पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये है क्लास 12th के लिए बैच, प्रारंभ बैच, जो कि क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें क्लास 12th और नीट की प्रॉपर तैयारी करवाऊंगा बायोलॉजी की। ठीक है, ओनली एट जस्ट 799, इसका फीस है 999, बट अभी के लिए आपके लिए फीस है 799। ये दो चार दिन बाद ये बढ़ने वाला है, सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू जल्दी से आप सभी लोग जल्द से जल्द कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो फीस बढ़ जाएगा। और अभी इसी फीस के अंदर आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेगी, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, टेस्ट सीरीज, बोर्ड बेस्ड क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, नीट क्वेश्चन बैंक, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, सारा का सारा इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, सो जल्दी से ज्वाइन कीजिए। ये था क्लास 12th के लिए, और आपके कोई छोटे भाई बहन जो कि क्लास 11th में हो तो उनके लिए भी बैच एक लॉन्च कर दिया गया है जिसका नाम है पराक्रम बैच, जो जिसमें जो
2 ईयर्स का कोर्स होगा जिसमें कंप्लीट क्लास 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ाऊंगा बोर्ड और उनके नीट के लिए। इसमें बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे और ये बैच 3 जून को स्टार्ट हो रहा है। टाइम है इसका 8 से 9। इसकी फीस आप 2 साल की फीस, अभी यदि आप लोग कहीं पे भी बायो पढ़ रहे हो, बायोलॉजी पढ़ोगे ऑफलाइन में या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे आपको 1 साल का फीस अप्रॉक्स 6,000-8,000 लगता है। यानी कि अप्रॉक्स 2 साल का फीस सिर्फ ओनली बायोलॉजी का 12,000-14,000-15,000, लेकिन यहाँ पे आपको कंप्लीट 11th और 12th की बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी जिसका फीस है 1999, लेकिन अभी के लिए ऑफर है और अभी ऑफर में इसका फीस है मात्र 1499। सो यदि आपके कोई जूनियर हो, आपका कोई छोटा भाई बहन हो, तो ज़रूर उसको ये कोर्स के लिए सजेशन दे। बाकी मिलते हैं अपने अगले क्लास में, जो हमारा अगला चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट स्टार्ट होगा अगले क्लास में, और उसी में, और वो सिर्फ ऐप में रहेगा, वो यूट्यूब पे नहीं आएगा, इसीलिए जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय, लव यू।